एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेस्ट मनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अगर दोस्तों आपके पास में जेस्ट मनी की एप्लीकेशन में आपके पास में कुछ लिमिट है और दोस्तों उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो दोस्तों उसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एक जेन्युइन तरीका जिस तरीके से करके दोस्तों आप अपने जो लिमिट है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में काफी सारे मैंने ट्रिक बता रखी है, काफी सारे मैंने यहाँ पर मेथड बता रखे हैं और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता रखा है अगर दोस्तों आप हमसे निकलवाना चाहते हो तो दोस्तों आप कैसे निकलवा सकते हो और दोस्तों कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर पुराने कस्टमर हैं तो दोस्तों आपको 100% पता होगा कि जो हमारा पेमेंट मेथड होता है वो कितने टाइम में आपको पेमेंट मिल जाता है, आधे घंटे से एक घंटे के अंदर तक आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो जाता है और दोस्तों वहाँ पर आपको पता भी होगा कि दोस्तों हमारा कुछ जो भी काम होता है वो जेन्युइन तरीके से होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप जेस्ट मनी की जो लिमिट है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं हम जेस्ट मनी की। अगर दोस्तों आप जेस्ट मनी ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल की एप्लीकेशन से लिमिट को निकलवाना चाहते हो तो दोस्तों उसको आप कैसे निकलवा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, इसमें दोस्तों मैं आपको कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ पर आप उस ट्रिक से निकल लीजिए या फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से निकाल लीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपकी जो लिमिट होती है वो दोस्तों वहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। अगर दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करवाना चाहते हो अपनी लिमिट को जो भी आपकी लिमिट है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको साइड में नंबर दिख रहा है इन पर दोस्तों आपको कॉल या मैसेज करके आपको पूछना पड़ेगा कि जो हमारी लिमिट है जेस्ट मनी की उसको हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है हमारी सर्विस, यहाँ पर कुछ दिन से बंद चल रही थी इसी कारण के दोस्तों हमने अपनी सर्विस को भी बंद कर रखा है। 2 से 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों हमारी सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको जेस्ट मनी लेजी पे मोबीक्विक की एप्लीकेशन से लिमिट को निकालना है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए हमें, दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अगर दोस्तों आपको निकलवानी है जेन्युइन तरीके से, आधे घंटे के अंदर आपकी जो लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह देना पड़ सकता है वो दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अगर दोस्तों आप निकलवाना चाहते हो बहुत ही 100% तरीके से दोस्तों यहाँ पर साइड में नंबर दिख रहा होगा जल्दी से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए तो दोस्तों आपकी जो लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतनी थी क्योंकि दोस्तों मैंने दोस्तों आपको बता रहा था कि जो हमारी सर्विस बंद हुई थी वो दोस्तों दोबारा से रीस्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तों जल्दी जाकर यहाँ पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और दोस्तों अपने लिमिट को विड्रॉ करवा लीजिए। आई होप दोस्तों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, वीडियो लाइक कीजिए अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।